चैप्टर जो है वेक्टर, इसमें काफी फार्मूले हैं। पहले हम लोग फार्मूले की चर्चा करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात सीखते हैं। पहले वेक्टर यानी वेक्टर का निरूपण, सदिश का निरूपण। मान लो कोई वेक्टर ए है, उसमें ये एरो लगता, ठीक। और दूसरी जानकारी, यदि वेक्टर ए की कोई वैल्यू पूछे तो ऐसे लिखते हैं, a1i + a2j + a3। ये वेक्टर ए की वैल्यू होती है। आई जे के ये होते हैं यूनिट वेक्टर, क्या होते हैं। और ये जैसे मान लो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। इनके इनके बीच का एंगल 90, इनके इनके बीच का एंगल लगता नहीं कि 90 है, लगता है 90 से ज्यादा है, मतलब 90 होगा। और इनके इनके बीच का एंगल भी 90 होगा, ठीक है। वो कैसे, जैसे मान लो ये सेफ हो, ये इसे समझ में आ रहा। अगर हम कहें इन दो पेन के बीच का एंगल क्या है, इस पेन और मार्कर के बीच का एंगल, इस पेन और मार्कर के बीच का एंगल, लेकिन अब इसको बनाओगे कैसे। जब इसका अगर डायग्राम बनाओगे पेपर में तो ऐसे बनेगा, यानी एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ये लाइन एक लाइन है, ये लाइन ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे कैसे बनाओगे। यहाँ पे धागा मान को दिखाएंगे, उसको डायग्राम में ऐसे बना सकते, समझ गए। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई। वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे, और जेड एक्सिस में ये वही आई जे के है। दो बातें क्लियर हो गई अच्छे से। प्रेजेंटेशन के लिए एरो लगाते हैं, उसमें समझ जाओ वेक्टर है और उसकी वैल्यू ये होती है। इसी जानकारी ए का मापांक या परिमाण कह लो, इसी बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। कैसे निकालेंगे, यहां पे मॉड लगाएंगे इक्वल अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के भी कॉपी सेंट का स्क्वायर। ये हो गया मॉड वेक्टर ए की वैल्यू। कुछ लोग मॉड वेक्टर हटाकर इसी को ए लिख देते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, यानी मॉड वेक्टर आपस में हटा भी सकते हैं। तो इसका मतलब यही 14 फार्मूला हो गया कि मॉड वेक्टर ए क्या बन जाता ए। पांचवी जानकारी, यदि किसी वेक्टर में स्क्वायर लगा तो आप चाहो तो मॉड हटा दो, ये लिखा जा सकता है वेक्टर ए का। तो इसको ऐसे भी सकते हो, इसको ऐसे भी सकते हो। अगली जानकारी छठवी, ये अगर मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर है तो इसको ले सकते हो दो बार डॉट में, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है। सातवीं जानकारी, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है तो उसको ले सकते हो ए स्क्वायर, कैसे, क्योंकि ए डॉट ए यही चीज है। ए डॉट ए क्या बनेगा, वेक्टर ए का होल स्क्वायर, और वेक्टर ए का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, मॉड वेक्टर के स्क्वायर। और मॉड वेक्टर आपस में लड़ जाते हैं तो घूम करके क्या मिलेगा, ठीक। अगर ए और बी दो वेक्टर है और उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाए, कौन सा प्रोडक्ट, ये बनेगा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। नौ नंबर में क्या लिखेंगे, यदि ए और बी वेक्टर का क्रॉस लिया जाए और क्रॉस लेने के बाद मॉड बी लिया जाए तो ये बनेगा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन। दिमाग में बात आ रही होगी, यहां तो आप क्रॉस के साथ मॉड लिए, यहां तो नहीं लिए, क्योंकि ए डॉट बी जब करते हो आप तो आपको वेक्टर क्वांटिटी नहीं मिलती बल्कि मिलती है स्केलर क्वांटिटी, यानी ए डॉट बी की वैल्यू अदिश होती है, सदिश नहीं होती है। जो सदिश नहीं होती है उसको उसको आप मॉड लगाने की उसमें जरूरत नहीं है, ये वैल्यू वेक्टर में आती है। इसलिए वेक्टर में आने के बाद उसको अगर आप क्वांटिटी उसकी देना चाहें, उसकी वैल्यू देना चाहें स्केलर में, तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा,
मॉड लगा, बात समझिएगा। अगर अभी ना क्लियर हो तो समझिएगा। 9 नंबर का मैं एक्सप्लेन समझा रहा है। जैसे मान लो वेक्टर ए है 3i प्लस 2j माइनस 4j, और वेक्टर बी है आपके पास माइनस 2i प्लस 3j प्लस, मान लो आपको निकालना हो a डॉट b, तो कैसे निकालते हैं? i i का मल्टीप्लीकेशन केवल कॉपी से लेता, तो 3 और यहाँ i में क्या है माइनस, अब दो आएंगे j के, j में यहाँ 2 है, j में यहाँ पे 3 है, अब दो आएंगे k के माइनस 4 और 1, तो a डॉट b की वैल्यू माइनस 6, इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस 6 और इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस, यहाँ से a डॉट b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 4। क्या इस रिजल्ट में i है, j है, k है, ये कैसा आंसर है? बिना i j के का, इसका मतलब ये वेक्टर है कि स्केलर है? ये स्केलर है, स्केलर का मतलब अदिश, वेक्टर का मतलब सदिश। अगर आंसर आई जे के में आए तो सदिश यानी वेक्टर है, अगर बिना आई जे के में आए तो वो अदिश यानी स्केलर है, अगर खुद ही स्केलर है तो उसमें मॉड की आवश्यकता नहीं है। मगर इसका इलाज कैसे करते हैं ये समझिए, अगर यही क्वेश्चन ए क्लास बी के लिए दिए होते ए क्रॉस जी के लिए तो कैसे, पहले तो आपको सारणी बनानी पड़ती, सारणी का मतलब डिटरमिनेंट्स, यहां लिखते आई जे के, पहले कौन बैठा है ए, 3, 2, -4, बाद में कौन है बी -2, 3, 1, एक्सप्लेन देखो इसका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आई लेते हैं प्लस का, जे लेते हैं माइनस का और के रखते हैं प्लस का, ये रूल है इसका एक्सप्लेन करने का, आई पॉजिटिव जे नेगेटिव के पॉजिटिव, इनके बीच में माइनस सेट करते हैं, बीच में जो आप बाहर वेक्टर ले रहे हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर पर इकाई सदिश आई जे के, अगर आपने आई लिया तो आई वाला काला मैसेज छुपा रहे हैं, पहले कराते हैं ये वाला प्रोडक्ट फिर कराते हैं ये वाला प्रोडक्ट, आप देखिए 1 × 2, 2 आएगा और 3 का माइनस 4 में माइनस का 12, एक माइनस पहले से तो प्लस का 12, अब क्या लिखा हमने जे का काला छिपेगा ये 1 का 3 में, जे का काला छिपाओगे तो मिलेगा -2 और -4, -2 -4 का मल्टीप्लीकेशन प्लस का 8, लेकिन माइनस है तो बना रहे, अब के हिसाब से के का काला छिपेगा 3 × 3, 9 और -2 का 2 में मल्टीप्लीकेशन -4, एक माइनस पहले से प्लस का, तो देखो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ गई 12 + 2, 14 आई, 3 में 8 कम करेंगे -5 मल्टीप्लीकेशन से +5j, यहां से प्लस का 13k, अब बताइए इसका जो आंसर है क्या उसमें आई जे के हैं, आई जे के हो तीनों हो या कोई दो हो या कोई एक भी हो, आई जे के में कोई एक भी है तो फिर वो वेक्टर है कि स्केलर है, वो वेक्टर है, अच्छा वो वेक्टर है तो उसको स्केलर बनाने के लिए क्या लेना पड़ता है मॉड लेना पड़ता, क्योंकि जब इसका मॉड ले लोगे ऐसे तब ये स्केलर बन जाएगा, स्केलर का मतलब अदिश बन जाएगा, अदिश कैसे, अभी यहां पे सिखाया था हमने मॉड लेने पर ये आता है a1² + a2² + a3² यानी यहां बनेगा 14² + 5² + 18² बाकी इसको सॉल्व कर ही लोगे। अब बताओ जैसे मॉड लिया तो अब बताओ ये आई जे के है कि बिना आई जे के में, स्केलर बन गया, तो स्केलर बनाने की वजह से क्रॉस में मॉड आता है और डॉट पहले से स्केलर होता है इसलिए उसमें मॉड, और मैंने आप काफी जानकारी नहीं दे दी ना करो फिर आगे।